Dear students, today I will discuss with you Matthew Arnold's poem Dover Beach. आज मैं आप सब लोगों के साथ BA second semester English के syllabus में एक कविता Dover Beach जो है which is written by Matthew Arnold उसको discuss करूँगी. Matthew Arnold was a celebrated Victorian age poet. Victorian age के प्रसिद्ध कवि थे. इनका life span आप लोग note कर लीजिए. इनका जीवन काल जो है 1822 to 1888. 1822 में इनका जन्म हुआ था और 1888 में 88 में इनकी मृत्यु हुई थी. Now I will tell you some famous works of Matthew Arnold. कुछ उनकी प्रसिद्ध कविताओं के नाम बताऊंगी. You may note them down. Straight Reveler. Straight, S-T-R-A-Y-E-D. Straight Reveler, R-E-V-E-L-L-E-R. And Sohrab and Rustam. S-O-H-R-A-B, Sohrab and Rustam, R-U-S-T-U-M. Thyrsis, एक प्रसिद्ध कविता है, T-H-Y-R-S-I-S, Thyrsis. Scholar Gypsy, S-C-H-O-L-A-R, Gypsy, G-Y-P-S-Y, Scholar Gypsy. इसके अलावा रग्बी चैपल, आर यू जी बी वाई, रग्बी चैपल, सी एच ए पी ई एल. रग्बी चैपल इज एन एलिजी विच वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड्स फादर. अपने पिता की मृत्यु पर उन्होंने ये कविता लिखी थी. और मैथ्यू आर्नल्ड की कविताओं की एक विशेषता है कि उनमें एलिजियक नोट होता है. एलिजी मैं आपको बता चुकी हूँ. एलिजी इज़ अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, किसी मृत्यु पर लिखी जाती है कविता. तो उन्होंने कई एलिजीज लिखी हैं मैथ्यू आर्नल्ड ने. और जो कविताएं एलिजी नहीं भी हैं उनमें एलिजी एक नोट है, यानी एक उदासी की भावना. जैसे कोई एलिजी होती है क्योंकि किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है तो उसमें एक उदासी, सैडनेस का नोट होता है. सिमिलरली जो कविताएं आर्नल्ड ने लिखी हैं और जो एलिजी नहीं भी हैं, बट देर आर अ नोट ऑफ सैडनेस एंड एन एनवायरमेंट ऑफ ग्लूमीनेस इज देयर. कुछ इसी तरह की कविता है डोवर बीच. इसमें भी अभी हम देखेंगे एक उदासी की भावना, एक डिसअपॉइंटमेंट, निराशा जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड की द थॉट्स एंड इमोशन विच आर ही विच ही इज़ एक्सप्रेसिंग उसमें वो हमें दिखाई देती है. एक दो पोएम और हैं, उनका नाम आप नोट कर सकते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड. अ सदर्न नाइट, अ सदर्न, एस ओ यू टी एच ई आर एन, सदर्न नाइट, एन आई जी एच टी. अ सदर्न नाइट इज़ अ गुड पोएम. और उसके अलावा वेस्ट मिंस्टर एबे, वेस्ट मिंस्टर, डब्ल्यू ई एस टी एम आई एन एस टी ई आर, वेस्ट मिंस्टर एबे, ए डबल बी ई वाई. तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं. जो कविता डोवर बीच जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और ये CCS यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है, और भी बहुत सारी जगह ये कविता और कोर्सेज में भी प्रेस्क्राइब्ड हो सकती है बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिनाउंड पोएम, काफ़ी प्रसिद्ध कविता है. और इसमें जो भावनाएं व्यक्त की हैं डोवर बीच ने, विच दे हैव यूनिवर्सल अपील, उसमें एक यूनिवर्सल अपील है. अब यूनिवर्सल आई होप यू नो वो
चीजें जो सभी समय काल परिस्थिति देश के परे हमेशा हर जगह सच होती हैं, यानी किसी भी देश में या किसी भी समय वो बहुत पुरानी भी बात होगी या फ्यूचर में भी वो चीजें वैसी ही रहती हैं। उनको हम यूनिवर्सल कह सकते हैं। जैसे कुछ भावनाएं हैं, प्रेम की भावना है, दुख की भावना है, अगर हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं, किसी समस्या के आने पर आशंका की भावना है, फियर है, एप्रिहेंशन है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा यूनिवर्सली सेम रहती हैं। और इसीलिए लिटरेचर साहित्य जो है, जैसे अभी हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, बट देर आर मेनी थिंग्स व्हेन वी विल डिस्कस एंड व्हेन वी विल रीड, वी विल फाइंड आर सेल्फ कनेक्टेड विद देम। हम को लगेगा कि ये, हाँ वाकई ये बात सच है। भले ही मैथ्यू आर्नल्ड ने काफ़ी पहले ये कविता लिखी थी, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1867, तो 250 साल पहले करीब इन्होंने कविता लिखी थी। तो उसके बाद भी हम देखेंगे कि हमें सुनकर लगेगा कि हाँ ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने भी फील की हैं। तो ये यूनिवर्सैलिटी होती है एक अच्छे कवि की, कि उनकी वो एक ऐसी भावना या विचार व्यक्त करते हैं जो कि एक तरह से एक्सप्रेशन होता है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। हर मनुष्य उसको अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस करता है और उसको एक तरह से वॉइस करते हैं, उसको शब्द जो है वो कवि देते हैं। दैट इज़ वाई देयर पोएम्स बिकम फेमस, बिकॉज दे हैव एन अपील टू एवरीवन, क्योंकि हर व्यक्ति या ज़्यादातर लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। इस पोएम को 37 लाइन्स की ये कविता है, तो क्योंकि इसको हमें ठीक से डिस्कस करना होता है, सो आई डिस्कस इट इन डिटेल, पर मैंने इसे 7 पार्ट्स में बांटा है फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आप आसानी से एक एक पार्ट आप एक बार में सुन पाएँ, जिसमें एक थॉट चल रहा है जिन लाइन्स में, मैंने उस आधार पर इन कविता इन लाइन्स को बांटा है। तो इस वीडियो में मैं शुरू की 4 लाइन्स डिस्कस करूँगी, जिसमें पोएम शुरू हो रही है और पोएम का इंट्रोडक्शन है और क्या बात हो रही है, प्रकृति का चित्रण है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको इस कविता के बारे में आई वुड लाइक टू टेल यू। जैसा कि आप जानते हैं, इस कविता का टाइटल है डोवर बीच। तो डोवर बीच जो है ये एक स्थान का नाम है। बीच आप जानते ही होंगे, समुद्र का किनारा होता है, उसको बीच कहते हैं। एंड डोवर इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक स्थान है। एंड डोवर बीच इज सिचुएटेड एट द स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो डोवर एक प्लेस है जहाँ पर ये बीच स्थित है, इसलिए इसको डोवर बीच कहा जाता है। और ये जो डोवर बीच है, इट इज़ दी नैरोएस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल जो कि समुद्र है, जिसके एक किनारे पर इंग्लैंड है और दूसरे किनारे पर फ्रांस है, तो बीच में ये इंग्लिश चैनल है, एक समुद्र का हिस्सा है जिसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो वहाँ ये डोवर बीच है जो है, इट इज़ सिचुएटेड देयर। प्लेस का नाम आप लिख सकते हैं एट दी स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट इसको कहते हैं STRAIT, स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो वहाँ ये सिचुएटेड है, उस समुद्र के किनारे जो है ये आर्नल्ड बैठे हुए हैं, और इनके मन में बहुत सी भावनाएं जो हैं, उदासी की भावना, जो विक्टोरियन एज जो है, इट वाज अ ट्रांजिशनल एज, इंडस्ट्री आ चुकी थी, औद्योगिकीकरण हो चुका था, तो बहुत से लोग जो है अपने नेटिव प्लेसेस को छोड़ के, जहाँ पर इंडस्ट्री होती थी वहाँ उन्होंने माइग्रेट किया, वहाँ रहने गए। तो उन्होंने दे लेफ्ट देयर नेटिव प्लेसेस बिहाइंड, देयर नेटिव पीपल, जो जिन लोगों के साथ वो पले बड़े थे, उनको छोड़ के उन्हें दूसरे स्थानों पर नौकरी की तलाश में जाना पड़ा। तो एक इमोशनल बेरेवमेंट था, यानी जो एक विलगाव था अपनी जगह से, अपने गांव से,
तो वो लोगों को बहुत इफेक्ट करता था। उस एज में निराशा की भावना काफ़ी थी। और इसके अलावा साइंटिफिक इन्वेंशंस नए नए हो रहे थे, साइंस का कहना चाहिए डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहा। तो बहुत सी पुरानी धारणाएं जो थीं, जिनको पहले के लोग धर्म से भी जुड़ी थीं, सोशियोलॉजिकल थी, जिनको लोग तब तक सही मानते आए थे, एंड साइंस वॉज प्रूविंग देम ऑल रॉन्ग। विज्ञान ने उन सब चीज़ों को गलत साबित किया। तो लोगों के जो रिलीजियस बिलीव थे, सोशियोलॉजिकल बिलीव्स थे, वो भी टूट रहे थे। तो पीपल वर इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, एक दुविधा जैसी स्थिति लोगों के मन में थी कि ये सही है या वो सही है। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो मन में एक आशंका की भावना और एक एप्रिहेंशन, वरीज, क्योंकि दूर आ गए थे, फिर जैसा मैंने कहा इंडस्ट्रीज आ गई थी, तो लोगों में एक पैसे कमाने की, एक मटीरियलिस्टिक, जो कि कविताओं में आप बहुत सुनते हैं ये शब्द, भौतिकतावादी जीवन, मतलब जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग, पीपल वॉन्टेड टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो जो इमोशनैलिटी है लोगों का एक दूसरे से, ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स हैं, वो भी, उनका भी टूटना ज़्यादा हो गया था। शुरू होना तो नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि उसके पहले भी हमने कविताओं में देखा है, बहुत सी कविताएं हैं, शेक्सपियर की पोएम्स हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि वन लवर चीटेड द अदर और लेफ्ट द अदर पार्टनर। तो पर ये ज़्यादा बढ़ गई थी चीज़ें, बिकॉज पीपल वर टर्निंग मोर मटीरियलिस्टिक। पैसे, क्योंकि ज़्यादा दे कैन अर्न मोर एंड मोर मनी, तो उस पैसे को पाने की चाह में बहुत सारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, दे वर ऑल्सो ब्रेकिंग डाउन। तो इट वॉज़ अ ट्रांजिशनल एज, यानी ट्रांजिशनल कहते हैं, यानी बहुत परिवर्तन हो रहा था और पूरा परिवर्तन नहीं हुआ था। पहले के जो जो एक समाज के वैल्यूज़ होती हैं, वो चीज़ें टूट तो रही थी, लेकिन नया कुछ अभी बना नहीं था ठीक। तो चीज़ें बदल रही थी। तो इसके लिए हम दो शब्द प्रयोग करते हैं, जबकि कोई चीज़ बदलाव की स्थिति में होती है। एक मैंने आपको वर्ड दिया है फ्लक्स, FLUX। अगर हम लिखते हैं इन इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी बदलाव की स्थिति में जब कोई चीज़ होती है, और दूसरा शब्द इसके लिए होता है ट्रांजिशन। इट वॉज इन अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन, TRANSITION। तो चीज़ें जो हैं उस समय बहुत बदल रही थी लोगों के, जैसा मैंने कहा, सोशल स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ बहुत बदल रहे थे, और नया कुछ जो है वो अभी तक सेट नहीं हुआ था। पुराना टूट रहा था और नया कुछ ऐसा नहीं आया था जो लोगों को एक कंफर्ट और सोलेस दे पाए, या ये उनको पता चल पाए ओके दिस इज़ दी राइट वे। सो पीपल वर एप्रिहेंसिव, दे वर कन्फ्यूज, दे वर इन अ स्टेट ऑफ डिलेमा, DILMNA। डिलेमा कहते हैं दुविधा की स्थिति। तो दुविधा की स्थिति में थे, तो बहुत कुछ बदल रहा था। तो ये सब देख के जो कवि हैं, उनके आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, उनके मन में काफ़ी निराशा का भाव जागता है, और उनको लगता है कि कोई किसी का साथ नहीं देता, और इतना ये जो दुनिया है वो इट इज़ टर्निंग सो मच मटीरियलिस्टिक, एंड पीपल आर शेडिंग देयर गुड वैल्यूज़, एंड दैट इज़ वाई इज़ बिकमिंग मोर पैसिमिस्टिक। और जैसे मैंने आपको बताया, एक एलिजियक नोट है, ELEGIAC। एलिजियक यानी एक उदासी की भावना इस कविता में हमें दिखाई देती है। तो इस तरह के थॉट्स जो हैं वो उन्होंने इस कविता में व्यक्त किए हैं। ही इज़ सॉरी टू सी द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ। धार्मिक भावनाएं कम हो रही हैं, जैसा मैंने कहा साइंस के इन्वेंशंस आने लगे थे, तो एट मैनी पॉइंट्स साइंस वॉज प्रूविंग द रिलीजन रॉन्ग। धर्म को गलत सिद्ध कर रहा था विज्ञान। तो क्योंकि कुछ पॉइंट्स पर वो ऐसा होता है कि हम अगर किसी को गलत सिद्ध कर देते तो बाकी पॉइंट्स पर भी हमें एक सस्पिशन हो जाता है, एक डाउट हो जाता है हमारे मन में, वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग, ये सही है या नहीं सही है। तो ये चीज़ें जो बदल रही थी, तो ऑल दिस कन्फ्यूजन
created स्पिरिचुअल डाउट्स, एंग्जाइटी एंड अनरेस्ट. अनरेस्ट एक बेचैनी की भावना थी, एंग्जाइटी थी यानी चिंता, मतलब क्या होगा, ये कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है, इस तरह की भावना लोगों के मन में थी. एंग्जाइटी, ANXIETY, डाउट्स थे लोगों के मन में. तो इस तरह के स्टेट में, इस तरह की स्थिति में आर्नल्ड ने ये कविता लिखी थी. तो लेट अस स्टार्ट दी पोएम. लेट अस सी दी फर्स्ट 5 लाइंस ऑफ दी पोएम. पहले हम ये 5 लाइंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. जो जैसा मैंने बताया, कवि जो है मैथ्यू आर्नल्ड, ही सिटिंग एट दी डोवर बीच. डोवर बीच पर बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे और समुद्र को देख रहे हैं. बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट. रात्रि का समय है, बैठे हुए हैं और रात्रि में, नाइट में द मून लाइट इज फॉलिंग ऑन दी सरफेस ऑफ द सी. समुद्र की जो लहरें हैं, उसका जो पानी है, उस पर चंद्रमा की रोशनी गिर रही है. सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट. तो उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया है. लेट अस सी द लाइंस. द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे. द सी इज काम टू नाइट. ही सिटिंग एट द डोवर बीच. जैसे मैं आपको मैंने बताया है कि डोवर बीच इंग्लिश चैनल जो है वहाँ पर सिचुएटेड है, विच सेपरेट्स इंग्लैंड एंड फ्रांस. जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है ये समुद्र का हिस्सा है, विच इज़ कॉल्ड इंग्लिश चैनल. तो वहाँ पर ये बैठे हैं एंड ही इज़ वॉचिंग दी सी, समुद्र को रात्रि के समय, क्योंकि टू नाइट लिखा हुआ है इन्होंने, तो रात्रि के समय ही सिटिंग एंड ही इज़ वॉचिंग द सी एंड ही फील्स एज इफ द सी इज़ वेरी काम. समुद्र जो है वो बहुत शांत है और उसकी जो वेव्स हैं वो उठ रही हैं, जो लहरें हैं वो उठ रही हैं. द टाइड इज़ फुल, द वेव्स आर राइजिंग हाई. टाइड मीन्स जो ज्वार भाटा होता है, जब लहरें ऊपर जाती हैं और फिर नीचे आती हैं. तो द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर. द मून जो जो चंद्रमा है, इट इज़ शाइनिंग ब्राइटली, बहुत चमक रहा है ये. फेयर मीन्स ब्राइट, चमक रहा है. और अपॉन दी स्ट्रेट्स, तो कहाँ चमक रहा है, जो ये जगह है स्ट्रेट ऑफ डोवर, वहाँ पर ये समुद्र का किनारा है और वहाँ उस स्थान पर द मून इज शाइनिंग ब्राइटली ऑन दी क्लियर वेव्स ऑफ द सी एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. और ये स्थान कैसा है, ऑन दी फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये बीच की जगह है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की जगह है. तो बहुत दूर से फ्रेंच कोस्ट, ही मैथ्यू आर्नल्ड इस तरफ इंग्लैंड के बीच पर बैठे हुए हैं और बीच में समुद्र है और बहुत दूर कहीं फ्रांस का जो बीच है वो थोड़ा सा, कोस्ट मीन्स समुद्र का किनारा, तो फ्रेंच कोस्ट फ्रांस का जो समुद्र का किनारा है और वहाँ एक लाइट, कुछ लाइट्स जल रही हैं जो बहुत धुंधली दिखाई दे रही, बिकॉज दे आर एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी पर वो हैं. तो वो बहुत कैसी दिखाई दे रही हैं, ऑन दी फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स. ग्लीम्स यानी झिलमिलाती, बहुत ज़्यादा नहीं, बस दिख रहा है कि कुछ ट्विंकलिंग, जैसा कि दूर कहीं लाइट है. और ग्लीम्स होता है झिलमिलाना, यानी बहुत हल्की सी रोशनी, विच शाइंस फेंटली, मतलब धुंधला सा हमें दिखाई देता है. एंड इज गॉन, कभी दिखती है वो लाइट और फिर वो चली जाती है. इट सीम्स एज इफ इट इज गॉन. द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, क्लिफ्स हिल्स,
कुछ छोटी सी पहाड़ियां हैं उस समुद्र के किनारे, एंड इट इज़ क्लिफ्स हिल्स ऑफ इंग्लैंड. वो वहाँ पहाड़ियां हैं और वो खड़ी हुई हैं, स्टैंड खड़ी हुई हैं. यहाँ खड़े से मतलब है दे आर सिचुएटेड एट दी सी बीच ऑफ इंग्लैंड, एट दी डोवर बीच. वो पहाड़ियां वहाँ हैं जहाँ कवि बैठा हुआ है. और कैसी हैं, ग्लिमरिंग एंड वास्ट. उन पर भी कुछ लाइट्स जल रही हैं, ग्लिमरिंग, झिलमिलाना. ग्लीम्स और ग्लिमरिंग आप एक ही मीनिंग समझ सकते हैं. विच शाइन्स समथिंग, द लाइट विच शाइन्स जेंटली, बहुत हल्की सी जो रोशनी दिखाई देती है. एंड वास्ट, और बड़ी, मतलब क्योंकि वो दोज क्लिफ्स आर बिग, बहुत दूर तक वो पहाड़ियाँ फैली हुई हैं. और वहाँ पर देर आर लाइट्स ऑन दोज क्लिफ्स विच इज ग्लिमरिंग ऑन द सॉरी आउट इन द ट्रैंक्विल बे. तो बे जिसे हिंदी में खाड़ी भी कहते हैं. तो दिस प्लेस इज काम, ट्रैंक्विल, काम, शांत एक जगह है. वहाँ पर ये पहाड़ियाँ जो है मुझे दिखाई दे रही हैं. एंड इट्स देर इज लाइट, देर इज लाइट ऑन देम. एंड द एटमोसफियर इज वेरी काम एंड क्वाइट, बहुत शांत जो है वो एक माहौल है. तो इस तरह का चित्रण मैथ्यू आर्नल्ड करते हैं इस कविता की शुरुआत में. नेक्स्ट लाइन्स में, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम कुछ और आगे की लाइन्स देखेंगे. लाइन नंबर 6 to 8 हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.